लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। 7 चरणों में होने वाले मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल को जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, जिसे देखते हुए इन दोनों चरणों के लिए रैलियों और नामांकन भरने का सिलसिला जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण को मतदान होना है, जिसे देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया, जबकि राहुल गांधी की केरल के वायनाड सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने वायनाड में रोड शो किया, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। पहले रुख करते हैं मुजफ्फरनगर का, जहां राष्ट्रीय लोकदल के साथ भाजपा ने गठबंधन किया है, जिसके तहत मुजफ्फरनगर सीट भाजपा के हिस्से आई है। इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह के साथ मंच पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी दिखाई दिए। हाल ही में मोदी सरकार ने जयंत के दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया था। चुनावी मौसम में मोदी सरकार के कदम जाट लैंड के मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है, इसीलिए जयंत चौधरी और अमित शाह दोनों ने अपने भाषण में चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया। आज जाट बेल्ट में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के सभी समर्थक भाइयों बहनों माताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं इस भूमि पर आया हूं जिस भूमि से चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए, देश भर के किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। चौधरी चरण सिंह को स्मरणांजलि देकर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? वाले सबसे बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, आपकी मुस्कुराहट नहीं टूट रही उस दिन से जब भव्य कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरे हाथों में आपका भारत रत्न दिया। ये भारत रत्न आपका है। मुजफ्फरनगर का हर एक व्यक्ति गदगद होना चाहिए। भारत के किसानों का और कमेरों का सम्मान रखने वाली भारत सरकार के लोग आज आपके बीच आए, उम्मीद के साथ आए हैं कि दोबारा तीसरी बार बड़ा मैंडेट, बड़ा विश्वास मुजफ्फरनगर के लोग चुनाव में वोट करके देंगे। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गहमागहमी से दूर सुदूर दक्षिण में राहुल गांधी केरल के वायनाड में रोड शो कर रहे थे। इस दौरान उनकी बहन प्रियंका वाड्रा परछाई की तरह उनके साथ मौजूद थीं। इस रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने वायनाड के मतदाताओं को लुभाने के लिए उन्हें अपना नजदीकी रिश्तेदार बताया। I have learned so much from my brothers, my sisters. It has been an honor for me to be your member of parliament. I don't treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here. अमित शाह हो या राहुल गांधी, उदय इंडिया की नज़र लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि पर है। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो या फिर केरल की, उदय इंडिया की निगाह हर चुनावी घटना पर बारीकी से है और हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।